I would now like to invite PIFAA founder core committee member, Mr. Dinesh Kothavde, to introduce our next speaker for the evening, Mr. Kishan Sharma. Good evening, Punekar. Kishan Sharma designed as an associate vice president in national trainer for HDFC Asset Management Company. Educationally, he has an honors degree in economics. He has been with HDFC Mutual Fund for last 10 years, and before HDFC Mutual Fund, he was worked with UTI Mutual Fund for 12 years in various positions such as research, portfolio management services, and institutional business. While working in many parts of the country, he has undertaken exclusive training programs for all segments of the business across India. Till date, he has addressed more than 1,100 investment seminars and training sessions covering over 150 cities in the country and abroad. Kishan Sharma is now one of the pillars of HDFC Learning Academy, whose main objective is to impart professional, highly quality training to HDFC Mutual Fund business partners. He has been held as one of the best trainers in the industry. Thank you. Kishan Sharma. Shukriya Dinesh Bhai. Shukriya Doston. यहाँ पधारने के लिए 2018 की शुरुआत देखी है आप पुणे में. मैं चौथी बार पुणे आया हूँ पीफा के निमंत्रण में. न जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं. जो लोग नाना करते थे वही म्यूचुअल फंड में आने लगे हैं. दोस्तों, वक्त बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है. हिंदुस्तान की कहानी हमने जेपी साहब के जुबानी सुनी और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही. उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा. आशीष भाई ने कुछ सवाल हमारे सामने रखे, उन सवालों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. लेकिन अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं. हिंदुस्तान कैसा है, दुनिया कैसी है, बाजार कैसा है, ये इतना मायने नहीं रखता है दोस्तों. जरूरी यह है कि निवेश आप कैसे करते हैं. जब आपके निवेश की यात्रा का अंत होगा तब ये कोई भी बात मायने नहीं रखती है कि बाजार में क्या हुआ और देश की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ. मायने ये रखता है कि आपने क्या किया. क्योंकि खराब अर्थव्यवस्था में अच्छे निवेशक होते हैं, अच्छी अर्थव्यवस्था में खराब निवेशक होते हैं. एक ही कंपनी है, एक ही बाजार है, एक ही अर्थव्यवस्था है. कुछ लोग पैसा गंवाते हैं तो बहुत से लोग पैसा बनाते हैं. ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया को देखने के लिए हमें खिड़की की जरूरत नहीं है. इस दुनिया को देखने के लिए दोस्तों हमें आईने की जरूरत है. खुद के जरिए इस निवेश को समझने की आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे. और अपनी बात कहने से शुरू करने से पहले आपसे एक और इल्तजा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये विज्ञान नहीं है. जैसा आशीष भाई ने भी कहा कि ये साइंस के जैसे काम नहीं करता है. ये विज्ञान नहीं है. हमें नहीं मालूम कि सच क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है. इसलिए डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. कभी कभी यूं ही मैं अपने जी को बहलाया करता हूँ, जिन बातों को खुद नहीं समझा और उनको समझाया करता हूँ. इंसान को नहीं मालूम कि वो कल क्या सोचेगा. इंसान को सिर्फ ये मालूम है कि वो आज क्या सोचता है. हफ्ते भर पहले मुझसे लोग पूछते थे करेक्शन कब आएगा. हफ्ते भर पहले की बात बता रहा हूं आपसे. दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूं. महीने में कम से कम 10 बार आप लोगों से मुखातिब होता हूं. मुझको सवाल ये मिलता था 1 फरवरी से पहले, करेक्शन कब आएगा. दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं बता सकता करेक्शन कब आएगा सिर्फ मेरे सिवाय. मैं आपको बता सकता हूं करेक्शन कब आएगा. कितना भी इंतजार कर लीजिए, करेक्शन नहीं आएगा. और जिस दिन आप निवेश करेंगे अगले दिन आ जाएगा. बहुत जरूरी है. जेपी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही. पीटर लंच को ये बात समझ में आ गई थी कि करेक्शन के इंतजार में जितना नुकसान होता है उतना करेक्शन में नहीं होता है. दोस्तों, करेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए दोस्तों. और खूबसूरत बात यह है कि इतिहास को देखिए, हिस्ट्री को देखिए, इतिहास समझेंगे तो बात समझ में आएगी. आप देखिए, जब जब इतिहास में करेक्शन आया तो आपने क्या किया. मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही कि इंसान को नहीं मालूम वो कल कैसे बिहेव करेगा. उसको यह तो मालूम है कि उसका आचरण आज कैसा है, पर कल कैसा होगा उसको दोस्तों मालूम नहीं है. इसका उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको. 1 फरवरी से पहले मुझसे सभा में पूछा जाता था कि करेक्शन कब आएगा, और जब करेक्शन आ गया तो पूछा जाता ये कब थम जाएगा. करेक्शन आते ही खौफ बढ़ जाता है, डर लगता है दोस्तों, और आप निवेश नहीं कर पाते हैं.
हर बार यही होता आया है. हमें कुछ चंद बातें समझनी है. समझने का मतलब ये नहीं कि आप उनको कर पाएंगे. उसको कर पाने के लिए आपको बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत करनी होगी दोस्तों. ये बिना प्रैक्टिस के हमको प्राप्त नहीं हो सकती है. दो मुद्दों पे आज आपसे मैं बात करूंगा. बाजार और बाजार के बारे में, बाजार का करेक्शन, ये जो कुछ हमारे हमें किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हमें समझ में आता है. और दूसरा मैं बात करूंगा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो जेपी साहब ने आपके सामने बहुत खूबसूरत अंदाज से रखी. वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. वो इसलिए जरूरी है कि पैसा आप नहीं बनाते हैं, आपका मुल्क बनाता है. वॉरेन बफेट बहुत हिंदुस्तान के हाथ दुनिया भर के अंदर लोकप्रिय हैं इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसी मिसाइल कायम की है कि घर में बैठे हुए आप अपने दिमाग से सही तरीके से निवेश करते हुए किस तरह से दौलत का निर्माण कर सकते हैं, वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, इसका वो अनुपम उदाहरण है दोस्तों. लेकिन वॉरेन बफेट के बारे में अगर मैं आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो इतने कामयाब कैसे हुए, तो आप क्या कहेंगे, क्या कारण है कि वो इतने कामयाब हुए? आप कहेंगे वो बहुत स्किल इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, छोटी उम्र से उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया था, उनमें बहुत डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उनके अंदर क्षमता है जहां वो अपने भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विज्ञानी हैं. तमाम कारण आप मुझे बताएंगे, मैं भी आपको एक कारण बताता हूं. उन्होंने इतना पैसा इसलिए बनाया कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी है. तो क्या ये कारण है उन्होंने इतना पैसा बनाया? ये सारे कारण मैं वॉरेन बफेट को देता हूं दोस्तों. जो भी कारण आपके समझ में आता है, सारे कारण मैं वॉरेन बफेट को देता हूं. उनसे सिर्फ एक बात छीन लेता हूं कि वॉरेन बफेट अमेरिका के नागरिक ना होके अफगानिस्तान में पैदा होते तो क्या दौलत बनाते? बताइए दोस्तों, बनाते वो? उन्होंने इतनी संपदा बनाई, इतनी दौलत बनाई, इसका पहला कारण यह है कि वो अमेरिकी नागरिक है दोस्तों. और हिंदुस्तान में आप दौलत बनाएंगे, उसका पहला कारण यह है दोस्तों कि आप हिंदुस्तानी हैं. एंजॉय बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान का नागरिक होने का ये जो एक अद्भुत मंजर आप देखने वाले हैं अगले 15 सालों में, ये क्या है? जेपी साहब ने आपसे कहा 1947 से लेकर 2015 लगे हमें 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में. 1947 से 2015 70 साल लग गए हमें 2 ट्रिलियन पहुंचने में. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि 2025 में हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे. मेरे पितामह, मेरे दादाजी ने पूरी उम्र जितनी दौलत बनाई, मेरे पिता ने पूरी उम्र जितनी दौलत बनाई, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया, इन 3 जनरेशन को जोड़ दिया जाए, उससे दुगने से ज्यादा 2.5 गुना पैसा हम अगले 7 सालों में बनाएंगे दोस्तों. ये IMF कहता है. गोरे की बात पे तो यकीन करेंगे आप? क्या है ये मंजर? Enjoy this moment. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स ऑफ वेल्थ, और सोर्स ऑफ वेल्थ आती है साइज ऑफ इकोनॉमी से. और जितनी तेजी से हिंदुस्तान की इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है, दुनिया में और कोई दूसरा मुल्क नहीं है दोस्तों. गुजरे हिंदुस्तान की कहानी आपने सुनी, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, दुनिया भर में इसके बाद में रिसर्च होता है. बहुत जल्दी से 2 या 3 स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि आने वाला समय दोस्तों कैसा है और किस तरह का ये रहेगा. दूसरा मुद्दा यह है कि दौलत तो हिंदुस्तान बनाएगा, आप उसमें बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे यह तय आपको करना है. और यह तय इस बात से होता है कि आप अपने वेल्थ को, अपनी सेविंग्स को, अपनी स्पेंडिंग को, अपनी इनकम को, अपने उपभोग को मैनेज कैसे करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं. तो आइए हम दोनों ही बातों को समझने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान क्या कारण है कि दौलत बनाएगा, और क्या उसका बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे से पहले जो वक्ता है वो उसके बारे में बोल के गए हैं. लेकिन हम अपना प्रबंधन कैसे करेंगे, इस पर मैं थोड़ा विस्तार से आपके साथ बात करना चाहूंगा. अब देखिए दोस्तों, ये मुल्क जो है आज की तारीख में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री मार्केट डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी पे मैं बहुत जोर दूंगा क्योंकि वो रक्षा करता है आपके अधिकारों का, ये खास बात है दोस्तों. फंडामेंटल राइट देता है आपको प्रॉपर्टी का, ये खास बात है. इसलिए आने वाले जनरेशन से देखेंगे कि दुनिया भर के जो कैपिटलिस्ट हैं, दुनिया भर के जो पूंजीवादी लोग हैं, दुनिया भर में जिन लोगों के पास पूंजी है, वो आएंगे और हिंदुस्तान में अपनी पूंजी लगाने के लिए तत्पर रहेंगे. ये वक्त क्यों आया, इसका बहुत छोटा सा कारण है. और वो छोटा सा कारण ये है कि इस दुनिया में पिछले कई समय से जो इकोनॉमी में एक शिफ्ट हो रहा है, इकोनॉमिक पावर जो है दोस्तों वो शिफ्ट हो रही है. आज से कुछ साल पहले ये पावर G7 मुल्कों के पास में थी, अमेरिका के पास थी, यूरोप के पास थी, जापान के पास थी, यूरोप के तमाम मुल्कों के पास में थी.
अगर आप देखें 1995 में करीब करीब 50% के आसपास दुनिया की जो इकोनॉमिक पावर थी वो किसके पास थी? इन 7 मुल्कों के पास थी, यूरोप, अमेरिका, जापान, जो मैंने आपको नाम गिनाए, और हिंदुस्तान और चीन को अगर आप जोड़ दें, अगर आपको याद हो जेपी साहब ने भी दो बातें कही कि पिछले 2000 सालों से सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी के पास थी तो इन दो मुल्कों के पास में थी, हिंदुस्तान और चीन। लेकिन 1995 में देखिए हमारे पास दुनिया की केवल 6% के आसपास दौलत थी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो शने शने बढ़ रही है हिंदुस्तान और चीन की और दुनिया की कम हो गई है। 2021 आते आते चीन और हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो इकोनॉमिक ताकत होगी वो G7 दुनिया के आज की तारीख के 6-7 सबसे अमीर राष्ट्रों की दौलत से ज्यादा होगी। बहुत शीघ्र दोस्तों आप ये दिन देखने वाले हैं और बहुत तेजी से ये परिवर्तन दुनिया के अंदर हो रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह की रिटर्न्स आप आने वाले समय में अपने निवेश से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदुस्तान कैसा होगा, हिंदुस्तान की जनरेशन किस तरह की कमाई करेगी और हिंदुस्तान के आवाम किस तरह से उस कमाई को उपभोग करते हुए खर्च करेगी। खर्चा ही तो हमारी आमदनी होती है दोस्तों, और ये परिवर्तन आपके सामने नजर आता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने अलग से यूनाइटेड किंगडम को दिखाया है। ये हिंदुस्तान है आप देखिए, और ये है जीडीपी यूएस डॉलर्स में 2008 ग्रीन कलर में, 2017 ब्लू कलर में। ध्यान से देखिए क्या है, 2008 में हिंदुस्तान की जीडीपी 1100 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी, 1.1 ट्रिलियन डॉलर। 2017 में कितनी हो गई, बढ़ के 2500 बिलियन डॉलर्स, 2.5 ट्रिलियन हम करीब करीब हो गए। हम क्या हुए पिछले 10 सालों में, दुगने हो गए। और वो मुल्क जिसने हम पर राज किया 200 साल, उसके साथ क्या हुआ, उसकी आमदनी थी दोस्तों 2.9 ट्रिलियन डॉलर 2008 में यूएस डॉलर टर्म्स में, आज वो गिर के 2500 बिलियन डॉलर्स या 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। उनकी आमदनी और उनकी दौलत क्या हो रही है, कम हो रही है। ये मैं उस महाद्वीप की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हम कहते थे कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है दोस्तों दुनिया का। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। ये लोग कम हो रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सही कहा जेपी भाई ने जब ये कहा कि जब आप बाहर घूमने जाएं तो शेर की चाल चलिएगा। यही है वो मंजर दोस्तों जो हमें खुशी देता है। वो हिंदुस्तान में दौलत बढ़ रही है, बढ़ेगी, दुनिया यकीन करती है। चिंता इस बात की कीजिए कि आप इसके सहभागी बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब हिंदुस्तान और चीन का फर्क थोड़ा हम देखने के महसूस करते हैं। जो हिंदुस्तान आज महसूस करता है ना दोस्तों, चीन ये 20 साल पहले महसूस कर चुका है। क्या हुआ चीन में, बहुत जल्दी से देखिए, मैं आपको दोनों मुल्कों के फर्क को बताना चाहता हूं और इस फर्क को आप देखिएगा। एक समय था आज से 40 साल पहले जब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं, चीन की और हमारी क्या थी, बराबर थी। जेपी साहब ने कहा ना 91 के पहले का हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खोया, लेकिन चीन हमसे पहले संभल गया। और चीन जब संभल गया तो आप देखिए 1995 के बाद से इन दोनों मुल्कों के भाग्य में परिवर्तन होने लगा। और ये चीन की प्रति व्यक्ति आय की रफ्तार आप देखिए और हिंदुस्तान की देखिए, आज से 40 साल पहले। अगर मैं 1960 की बात करूं, 1960 में चीन की प्रति व्यक्ति आय थी 87 डॉलर्स और हिंदुस्तान की थी 81, करीब करीब बराबर थे। आज उनकी प्रति व्यक्ति आय है 8000 डॉलर्स प्रति व्यक्ति और हमारी अभी 2000 पहुंचने से भी दूर है, शायद 2000 हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, हम 2000 और वो 8000। जिस तेजी से चीन की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी पिछले 20 सालों में, उस तेजी से हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी अगले 20 सालों में। इस रफ्तार को समझिए दोस्तों, और इसमें एक शोध आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। कार खरीदने की बात हुई थी, यहां आंकड़ा दिया गया था कि हिंदुस्तान में 1000 लोगों में 20 लोगों के पास कार है, तो यूएस में 800 लोगों के पास कार है। क्यों फर्क है ये दोस्तों, हमारी आमदनी बहुत कम है, हम कार नहीं खरीद सकते हैं।
लेकिन हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय अभी 2000 पहुंची है. $2000 प्रति व्यक्ति आय में भी पुणे में या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में इतनी कारें हैं कि हम अपनी कार लेके सड़क पर निकलने पे हिचकिचाते हैं कि कहीं पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी. दुनिया का शोध ये कहता है कि किसी भी राष्ट्र में कार खरीदने का विस्फोट तब होता है जब उस मुल्क की प्रति व्यक्ति आय कम से कम $3000 प्रति व्यक्ति होती है. अभी हिंदुस्तान की कितनी है? $2000. जो तो दुनिया के मुल्कों का जो एवरेज है कार खरीदने का, उस तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है. सोचिए विस्फोट कैसा होगा हिंदुस्तान में. और जब इतने लोग कार खरीदेंगे तो उस तरह के शहरों का आपको निर्माण करना होगा. और जब आप उस तरह के शहरों का निर्माण करेंगे तो किस कदर खर्चा आप करेंगे और वो खर्चा आपकी आमदनी को कहां लेके जाएगा. दोस्तों आज वो फिगर्स पे बात करना आपको उपहास प्रतीत होगा कि ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है. देखिए ये लाल लकीर जो आप आज चीन की देख रहे हैं, कल आप अपने मुल्क की आप देखेंगे. पर दोस्तों निवेश ये घटना घटने के बाद नहीं, घटना घटने के दौरान और घटना घटने से पहले किया जाता है. ये स्मरण रखिएगा दोस्तों, वो बहुत जरूरी है. मैं बहुत ज्यादा समय हिंदुस्तान की इस कहानी पे नहीं लूंगा क्योंकि ये सर्वविदित है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है और दुनिया देख रही है. तो मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दूंगा. ये तय है दोस्तों कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है. मुश्किल तो ये है कि मैं इसमें सहभागी बनूंगा कि नहीं बनूंगा. हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई वेल्थ, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई इन्वेस्टमेंट, और मैं इसमें किस कदर अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके से निवेश करते हुए एक कामयाब निवेशक बनूंगा. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीर अमेरिका की तस्वीर है. इस तस्वीर को आप देखिए. अमेरिका में 1924 में पहला म्यूचुअल फंड आया था, हिंदुस्तान में 1994 में. अगर मैं UTI जो कि पूर्ण रूप से म्यूचुअल फंड नहीं था, वो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया था, 1994 में कहूंगा आपसे हिंदुस्तान में आया. इतना फर्क है हिंदुस्तान और अमेरिका के इस सफर में. और स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो वहां पर 200 साल से स्टॉक मार्केट्स है. अनऑफिशियली हमारे यहां भी 1875 से स्टॉक मार्केट है, पर सेंसेक्स की जो व्यवस्था की गई वो 1980 के आसपास की गई और डाउ जोन्स 1905 से हमारे सामने है. तो वहां पर स्टॉक मार्केट भी 100 सालों से है, हमारे यहां 35 सालों से है. अमेरिका का एक ऐसा मुल्क माना जाता है कि जहां पर आधे से ज्यादा हाउस होल्ड स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये भी माना जाता है कि अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया के सबसे अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, अनुभवी फंड मैनेजर्स हैं, सबसे गहरे और सबसे बड़े वहां पर बाजार है. पर उस अमेरिका का अनुभव देखिएगा दोस्तों. डालमर एसोसिएट्स नाम की एक संस्था है, उन्होंने एक शोध किया है और ये शोध वो कर रहे हैं 1988 से. और वो क्या कहते हैं कि हर बार, पिछले 20 साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, हर बार ये देखा गया है कि जितना रिटर्न अमेरिका के बाजारों ने दिया है, ये अमेरिका के बाजारों का 20 साल का रिटर्न है. अगर मैंने 2013 लिखा है तो इसका मतलब ये है 1993 से 2013, 1992 से 2012, 1991 से 2011, इस तरह से 20 साल का रिटर्न है. हर 20 साल का ये बाजार का रिटर्न है. और इन 20 सालों में अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने कितना रिटर्न कमाया, ये लाल रंग से है. तो आप क्या देखते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स वो रिटर्न नहीं बनाते हैं जो बाजार आपको देता है. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बहुत सिंपल सा कारण है इसका. इसका कारण यह है कि हम एक छोटी सी बात को नहीं समझते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है. और मैं फिर लौट के उसी मुद्दे पे आता हूं. मुझे नहीं मालूम कि मैं आने वाले समय में किस तरह से बिहेव करूंगा, ये बहुत जरूरी है. मुझे याद आता है, मैं राजस्थान से हूं, रेगिस्तान है वहां के शहरों में, अब तो नहीं रही ऐसी हालात. में आपको पुरानी कहानी सुनाता हूं. ऐसा समय आता था कि जब ये कहा जाता था सरकार के द्वारा पानी 20 दिन का बचा है रिजर्वर में, झील में या डैम में, अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा. मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि कुछ शहरों को ट्रेन के द्वारा पानी दिया गया. महाराष्ट्र में भी लातूर की घटना कुछ साल पहले ऐसी घटी थी. तो एक ऐसा ही वाक्य मैं आपको सुनाता हूं. बारिश नहीं हो रही थी और मुनादी कर दी गई थी कि 7 दिनों का पानी बचा है, अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा और बाहर के शहरों से पानी मंगाया जाएगा. किस्मत देखिए उस शहर की कि 2 ही दिन के बाद मूसलाधार बारिश हुई दोस्तों. उस वक्त मैं ऑफिस में था, ऑफिस के बाहर निकला तो मैंने देखा कि ऑफिस के अहाते में बहुत से लोग खड़े हैं. एक व्यक्ति खड़ा था, बातचीत शुरू की, क्या कर रहे हो भैया यहाँ पे खड़े हुए? उसने जो जवाब दिया, काटो तो खून नहीं दोस्तों, वो मुझे कहता है बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं.
पूरा शहर प्यासा है, लेकिन प्यास से तो वो 7 दिन के बाद मरता। अगर बारिश नहीं थमी तो वो ऑफिस समय पर नहीं पहुंचेगा, बॉस की डांट पड़ जाएगी उसको, तो उसको चिंता किस बात की ज्यादा हो रही है, शॉर्ट टर्म में मेरे साथ क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म में बाजार में क्या होने वाला है, अभी बाजार में क्या घट रहा है। हम इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम देते हैं, बहुत ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि बाजार में अभी क्या हो रहा है। इस बाजार और इकोनॉमी का रिश्ता है दोस्तों, जो जेपी साहब ने भी आपके सामने रखा कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे बाजार बढ़ता है, पर दोस्तों ऐसा है नहीं, ये रिश्ता है लेकिन नजर नहीं आता है दोस्तों। ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुत्ते और कुत्ते के मालिक का होता है, इकोनॉमी मालिक है और बाजार कुत्ते जैसे बिहेव करता है दोस्तों। मैं एक पड़ोसी के घर गया जो कुत्ता पालता है, शाम को उसके घर बैठा हुआ था, वो घूमने जाने लगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कुत्ते को घुमाना है। कहा मैं भी चलता हूँ आपके साथ इवनिंग वॉक के लिए, मुझे थोड़ी गप्पे मारनी थी उनके साथ। तो हम घर से बाहर निकले, हम राइट की तरफ घूम गए, कुत्ता लेफ्ट चला गया। कुत्ते को मालूम नहीं वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। मैंने कहा कुत्ता आपकी बात नहीं मानता है क्या? कहने बहुत बात मानता है, कुत्ता तो बहुत स्वामी भक्त होता है, लेकिन हमें तो राइट में जाना है, कुत्ता आपका लेफ्ट चला गया। तो कहता है शॉर्ट टर्म में नहीं मानता है। ये इकोनॉमी और बाजार कुछ ऐसा ही है दोस्तों। बाजार हमेशा इकोनॉमी की बात मानता है लेकिन वो कुत्ते जैसा है। कुत्ता अभी किसकी बात मानेगा? कुत्ता श्वान, श्वान जो होता है ना कुत्ता, वो बहुत स्निफर होता है, सूंघने की शक्ति उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही घर से बाहर निकले कुत्ता आजाद हो गया, जैसे ही घर से बाहर निकले कुत्ता आजाद हो गया, अब कुत्ते की तरह तरह की स्मेल आ रही है, तरह तरह की सुगंध आ रही है, तरह तरह की महक आ रही है। तो कुत्ता लेफ्ट की तरफ क्यों गया? क्योंकि लेफ्ट की तरफ से इतनी तीव्र महक आई कि जब तक वो उस महक का सोर्स को समझ ना ले तब तक उसको चैन नहीं है, और उस सोर्स को ढूंढते वो लेफ्ट की तरफ चला गया जबकि हमें जाना था राइट की तरफ। लेकिन कुत्ते की भाग्य देखिए दोस्तों, जैसे ही उसको समझ में आता है कि महक कहां से आ रही है, उसको समझ में आ जाता है ये बेकार की चीज है, ये वस्तु मेरे लिए इररिलेवेंट है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि वस्तु इररिलेवेंट है, कुत्ता वहां पर वापस आ जाता है जहां से गया था। देखा है आपने, बाहर निकला लेफ्ट की तरफ गया और थोड़ी दूरी में चीजें सूंघी और वापस वहां आ गया जहां से गया था। आपका बाजार रोजाना सुबह जब घर से बाहर निकलता है, मतलब जब बाजार सुबह खुलता है, तो उसको नहीं मालूम कि बढ़ूं कि गिरूं, कुत्ते को नहीं मालूम लेफ्ट की जाऊं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, तो तय कुत्ता महक कहां से आ रही है। बाजार कैसे तय करता है खबर कहां से आ रही है? खबर आती है बाजार गिर जाता है, अगले दिन समझ में आता है बेकार खबर थी, वापिस बढ़ जाता है। देखा आपने, कभी देखा है आपने? ध्यान से देखिएगा कुत्ते को चलते हुए, ध्यान से देखिएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी दाएं जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी पीछे जाएगा। कुत्ते को खुद का मालूम नहीं है कहां जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप बता ही नहीं सकते कुत्ता कहां जाएगा, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं आधे घंटे रुक जाइए, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कुत्ता बढ़ किस तरफ रहा है। देखा है कभी आपने? आधे घंटे रुक जाइए आपको बात समझ में आ जाएगी। यही बाजार के साथ में होता है साहब, थोड़ा ठहर जाइए समझ में आ जाएगी कि बाजार कहाँ जाता है। दोस्तों बाजार वहीं जाता है जहाँ इकोनॉमी जाती है, और इकोनॉमी की हमने अभी बात की कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। पर एक दुविधा है दोस्तों, वो दुविधा ये है कि कुत्ता जो हमारा है वो घर से बाहर आ गया है, तो कुत्ते का जो मालिक है वो एक डंडी साथ में लेके चलता है। मैंने कहा डंडी क्यों रखते हो आप अपने साथ में, आपने तो कुत्ते को संभालने के लिए। मैंने कहा अभी तो आपने कहा कुत्ता स्वामी भक्त है, फिर डंडी हाथ में क्यों है? कहता नहीं, एक ऐसा क्षण भी आता है कभी कभी कुत्ते को घुमाते हुए कि जब ये बिल्कुल काबू में नहीं रहता। मैंने कहा ऐसा कौन सा वक्त है साहब? तो कहता है जब दूसरे कुत्ते आ जाते हैं। जब दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, और जब दूसरे कुत्ते आते हैं तो उन कुत्तों में उलझ जाता है, मैं कितना ही चिल्लाऊं ये मेरी बात नहीं सुनता है। तो दोस्तों हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितना ही अच्छा करते रहे, बाहर के बाजार, बाहर के कुत्ते आ गए तो आपका बाजार भी गिर जाएगा। तो अभी 2 दिनों से आपका बाजार क्यों गिरा? 2 दिनों से आपका बाजार क्यों गिरा? क्योंकि दूसरे बाजार गिर गए। लेकिन कुत्तों में उलझा हुआ कुत्ता जब देखता है कि मालिक आगे बढ़ गया है, तब इन कुत्तों को छोड़ देता है और पुनः मालिक के पीछे हो जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी। ये जो बाजार जो है ना दोस्तों, इसमें एक बुनियादी फर्क है। देखिए ये क्या चीज है,
जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं दो मोटी बातों की, और ये दो मोटी बातें हैं इकोनॉमी और मार्केट, से दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। इकोनॉमी आपको शक्ति देती है, इकोनॉमी तय करती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा, पर मार्केट ये तय करता है कि आपका आज कैसा होगा दोस्तों। और इस आज में आपको संभल के रहना है, इस आज में आपको संभल के रहने के लिए क्या चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं बहुत तेजी से आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये एक रिटर्न है जो कि म्यूचुअल फंड्स ने हिंदुस्तान में दिया है, ये तो अमेरिका की तस्वीर है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। मैं 3 साल पुरानी तस्वीर जानबूझ के लेके आया हूं, क्योंकि आप में से कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि 3 साल में तो बाजार बहुत बढ़ गया, तो मैं आपको 2014 तक की तस्वीर लेके आया हूं, जहां पर 2011 से लेकर 14 के 4 साल तक बाजार में खास परिवर्तन नहीं हुआ था। और एक क्रिसिल की तस्वीर है दोस्तों, जो ये कहती है कि अगर आपने अप्रैल 1997 में 1,000 रुपया डाला है तो 2014 होते होते 40,000 से ज्यादा हो गया। बताइए ऐसा रिटर्न कहां आता है? लेकिन एक बात बताऊं आपसे दोस्तों, ऐसा रिटर्न कमाने वाले हिंदुस्तान में केवल 2% म्यूचुअल फंड वाले हैं। और ये रिटर्न एक म्यूचुअल फंड का नहीं है, हिंदुस्तान के जितने भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम है उनका ये रिटर्न है। कभी आपने गौर किया है कि एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसके पास इतना धन क्यों होता है? क्योंकि उसको पीएफ का पैसा मिलता है दोस्तों, और ये पीएफ का पैसा मिलता है वो इस फॉर्मूले पे काम करता है, आपके पास में कब कितना पैसा होगा ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपने पैसा कितना बचाया, जितना पैसा बचाएंगे उतना ज्यादा धन होगा, ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपको रिटर्न कितना मिला, जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ज्यादा आपके पास में धन होगा, ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया, जितने लंबे समय तक निवेश करेंगे उतना धन आपके पास में ज्यादा होगा। और इन 3 कारणों में जो श्रेष्ठ कारण है, जो सबसे बड़ा बुनियादी कारण है कि आपके पास कितना धन होगा, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया। तो एक कर्मचारी को जो काम करता है रिटायरमेंट के समय भविष्य निधि के रूप में इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो लंबे समय तक निवेश करता है, ये छोटा कारण है। वो बार 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 अनुशासित निवेश करता है, ये भी छोटा कारण है। वो नौकरी के पहले दिन से ही निवेश करता है, ये भी छोटा कारण है। बड़ा कारण क्या है दोस्तों, उसके पास इतना पैसा क्यों होता है? बड़ा कारण यह है कि वो इसके पास इतना पैसा इसलिए होता है कि सरकार का क्लॉज ऐसा है कि वो उसको उस बैंक अकाउंट से पैसा निकालने नहीं देती है, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने नहीं देती है। इसको हटा दीजिए, इस कानून को हटा दीजिए और पीएफ को ऐसे ही ऑपरेट करने दीजिए जैसे सेविंग बैंक ऑपरेट होता है, आप देखिएगा फिर से 2% लोगों के पास भविष्य निधि का पैसा होगा। पर वहां तो कानून है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कानून है नहीं। म्यूचुअल फंड के पास उल्टा कानून है, जब आप पूछते हैं कि भैया पैसा कब निकाल सकते हैं तो वो कहता है जब मर्जी तुरंत बोलना, तुरंत निकल जाएगा पैसा, सुविधा देते हैं वो आपको। लेकिन दोस्तों जल्दी पैसा निकालने के चक्कर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क हम भूल जाते हैं। आइए विस्तार से इस बात को समझते हैं कि कंपाउंडिंग की रक्षा कैसे की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनना जाए। बुनियादी तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की हम बातें कर सकते हैं पर आचरण नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इंसान ने लॉन्ग टर्म जो व्यवस्था है पिछले 50 साल में सीखी है, उसके पहले नहीं सीखी है। हमारे खून में लॉन्ग टर्म के प्रति एक्ट करना है ही नहीं, ज्ञान में तो है, खून में नहीं है, आदत में नहीं है दोस्तों। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी होगी। तो बहुत जल्दी से हम थोड़ा सा इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो रिटर्न है दोस्तों, ये कमाना भी बहुत बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ग्लोबल दुनिया हो रही है, मैं बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं जाना चाहता। गारंटी एश्योरेंस नाम की चीजें बहुत कम हो रही हैं, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी होगी अगर आप अपने रिटर्न की रक्षा करना चाहते हैं। तो एक तस्वीर और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जो मार्केट करेक्शंस, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और करेक्शन तीनों को साथ लेके चलता हूं, ये जो मार्केट करेक्शन जो फॉल आपको नजर आते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि बिना फॉल के बाजार कभी बनता ही नहीं है। एक छोटी सी तस्वीर देखिए मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, वोलेटिलिटी एंड इक्विटी, ये हिंदुस्तान का बाजार है पिछले 17 सालों से 2001 से, और ये जितने भी गोले मैंने बनाए हैं ये सब 10% से ज्यादा के करेक्शन है। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप, बिना गिरे बाजार बढ़ता ही नहीं है। विचलन तो बाजार का साथी है, वोलेटिलिटी इस बाजार में हमेशा रहेगी, इस वोलेटिलिटी को अपनाइए, इसका आनंद बनाइए दोस्तों। और जितना बाजार वोलेटाइल होता है उतना आपके एसआईपी में रिटर्न ज्यादा आता है, इस बात को गौर कीजिएगा दोस्तों। ये जो विचलन है, ये जो वोलेटिलिटी है दोस्तों, ये आपकी दोस्त है। और इन पिछले
दो ही मर्तबा ये 20% से ज्यादा का करेक्शन है, ये 15% से ज्यादा का करेक्शन है, बाकी सब 10% है, और ये करीब करीब 50% 45-47% का करेक्शन है। 45-47% करेक्शन आपके जीवन में दो या तीन बार आता है, उससे ज्यादा नॉर्मली नहीं आता है। और यही कहानी 70 साल के अमरीकी इतिहास की भी आप देख सकते हैं। जितनी बार बाजार बढ़ता है उतनी बार ही बाजार गिरता है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है, विथ अर्निंग्स ऑन देयर साइड राइज ऑलवेज हैड ए बेटर चांस देन दी फॉल। इसलिए बाजार गिरने के बाद भी आगे बढ़ता है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो। तो करेक्शन तो हमेशा आएगा दोस्तों, और जब भी करेक्शन आएगा उसका लुत्फ उठाइए, आनंद बनाइए दोस्तों। गौर से देखिएगा, इतिहास याद करना बहुत जरूरी है। जब जब ये करेक्शंस बाजार में आए थे आपने क्या किया है? मेरे पास सांख्यिकी है, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है, मैं जानता हूं कि ज्यादातर करेक्शंस में हमने निवेश नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कल कैसे बिहेव करेंगे। मान लीजिए बाजार 10,000 निफ्टी हो जाता है, जैसे ही बाजार 10,000 निफ्टी होता है टीवी आपको खबर देती है ऑल टाइम हाई, बाजार क्या हो गया ऑल टाइम हाई। इस शब्द से मुझे एतराज है दोस्तों, बाजार कभी भी ऑल टाइम हाई नहीं होता है, बाजार हमेशा टिल डेट हाई होता है। लेकिन जैसे ही टिल डेट हाई बात को ऑल टाइम हाई कह दिया जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। खबर तो सही है कि बाजार ऑल टाइम हाई है, पर मैसेज गलत है। मैसेज क्या जाता है, अब तो यह गिरेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई हो गया। इसकी जगह इन शब्दों का उपयोग किया जाए कि बाजार टिल डेट हाई है, तो मैसेज क्या जाएगा, अभी ये और ऊपर जाएगा। तो आज जैसे ही बाजार 10,000 होता है ना दोस्तों, निफ्टी ऑल टाइम हाई होती है, आपके निवेश करने की इच्छा बढ़ती है। पर एक डर भी पैदा होता है कि बाजार ऑल टाइम हाई हो गया है, अब ये गिर सकता है, तो आप करेक्शन का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, और मन में एक धारणा बनाते हैं कि जिस दिन ये बाजार 9,500 हो जाएगा मैं निवेश कर दूंगा। बेंजामिन ग्राहम इसको मिस्टर मार्केट के नाम से बुलाते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान ये कामना करता है कि अगर ये बाजार 9,500 हो गया 9,500 हो गया तो मैं निवेश करूंगा, बाजार दोस्तों वाकई में गिर जाता है। अगले 2-3 सप्ताह में बाजार गिर जाता है, और बाजार गिर के 9,500 आता है। पर जैसे ही बाजार 9,500 आता है, डेन इरली नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, बड़ी मजेदार बात कहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट। जैसे ही वो बाजार 9,500 होता है, आपके मन में एक देव योग से ज्ञान प्राप्त होता है, अब तो ये 9,000 जाएगा। और जैसे ही आपके मन में ये भावना आती है कि अब ये 9,000 जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप निवेश नहीं करते हैं, और करेक्शन आपके हाथ से निकल जाता है। मिस्टर मार्केट जो एक बड़ा भला व्यक्ति है, आपकी भलाई के लिए 10 से 95 आया था, उसको बड़ा क्रोध आ जाता है कि ये क्या इंसान है, इसके लिए मैं नीचे आया था, इसने निवेश नहीं किया। वो बढ़ के वापिस 10,000 पहुंच जाता है, 10,000 पे नहीं 10,100 पे रुकता है। अब आप हाथ मलते हैं, काश मैंने निवेश कर दिया होता। और अगले सप्ताह क्या होता है, एक मजेदार बात होती है, बाजार 10,100 से बढ़ के 10,500 हो जाता है। और जिस दिन बाजार 10,500 होता है, उस दिन आपको खबर आती है कि आपके पड़ोसी ने 9,500 में निवेश कर दिया था। पानी ठंडा रखना है तो घड़ा तो आपको चाहिए, तो मृदा मिट्टी कहां से मिलेगी, क्ले कहां से मिलेगी? तो वो मिट्टी को ढूंढने के लिए पॉटर जो है, काश्तकार जो है, वो सुबह निकलता है, सूर्योदय से पहले निकलता है घर से। उसकी माँ उसको खाना बना के खिलाती है, खाना खा के वो घर से निकलता है, पानी साथ लेके घर से निकलता है, और बहुत दूर उसको मारा मारा फिरना है, दूर दूर उसको जाना है मिट्टी ढूंढने के लिए। रेगिस्तान की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत जल्दी चढ़ जाती है, उस तपिश में वो थक जाता है। जब वो घर से निकलता है तो उसके साथ में मिट्टी ढो के लाने के लिए एक जानवर होता है जिसको गधा कहते हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह घर से दो प्राणी निकले मिट्टी के लिए, एक काश्तकार, उसका गधा। जब वो निकलते हैं तो माँ उसको सलाह देती है, बेटा बहुत दूर जाना है, थक जाएगा, गधे पे बैठ जा। तो वो गधे पे नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति गधे पे बैठता है तो हम हंसते हैं, तो उपहास का केंद्र नहीं बनना चाहता और गधे पे नहीं बैठता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि सुबह फ्रेश फील करता है, उसमें थकावट नहीं होती है, तो वो गधे पे नहीं बैठता है। लेकिन जब वो दूर भटकता है, 8-10 किलोमीटर दूर जाता है, तब तक धूप निकल आती है, तपिश तेज होती है, मिट्टी को खोद के निकालता है, उसमें भी मेहनत होती है, मिट्टी को गधे के ऊपर रखता है, तब तक उसकी थकावट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और 12:30-11 बजते बजते जब वो लौट के घर आता है,
तो माँ क्या देखती है कि बेटा मिट्टी लेके आया है, पर वापस आया कैसे है, गधा है और गधे पे मिट्टी रखी और मिट्टी पे जनाब बैठे हैं। तो माँ ने पूछा, बेटा सुबह तो नहीं बैठा था, अभी गधे पे क्यों बैठ गया? तो कहता है, माँ बहुत थक गया था, माँ बहुत थक गया था। तो माँ कहती है, सलाह देती है माँ, इसीलिए तो मैंने तेरे को सुबह कहा था बेटा गधे पे बैठ जा, जब गधे पे बैठना ही था तो सुबह बैठ जाता, जब गधे पे बैठना ही था तो सुबह बैठ जाता, मैंने इस बाजार में हर एक को गधे पे बैठते हुए देखा है, हर एक को गधे पे बैठते हुए देखा है। जो 10,000 पे नहीं बैठता 11 पे बैठता है, जो 11 पे नहीं बैठता 13 पे बैठता है, और जो 13 पे नहीं बैठता 15 पे तो जरूर बैठता है, क्योंकि मैंने यह देखा है कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाता है बैठने वाले बढ़ते, कभी देखा है आपने, जैसे जैसे बाजार बढ़ता जाता है गधे पे बैठने वाले बढ़ते जाते हैं। दोस्तों सबसे सुंदर समय है, जैसे ही सवारी मिली बैठ जाइए, जैसे ही पैसा आया बाजार में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि तो कुत्ते जैसा है, गिरेगा कि बढ़ेगा आपने को थोड़ी मालूम है, अल्टीमेटली तो वही करेगा जो इकोनॉमी कर रही है दोस्तों। और निवेश करने के बाद भी चैन नहीं है, निवेश करने के बाद भी चैन नहीं, करेक्शन आ गया तो, आशीष भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि गुजरे करेक्शन तो अपॉर्चुनिटी है, ये वाला छोड़ के, बहुत सही बात की उन्होंने कही थी। क्या होता है दोस्तों, एक बार बीरबल नाराज होकर चले गए, अकबर को छोड़ के चले गए, एक महीना हो गया लौट के नहीं आए, अकबर का बिल्कुल दिल नहीं लगा, बिना बीरबल के मन नहीं लगा, उनको लगा कि मुझे बीरबल वापस चाहिए, कैसे ढूंढा जाए, कोई उनको सूत्र नजर नहीं आया। तो एक ख्याल आया उनको, बीरबल को ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, उन्होंने गांव के हर सरपंच को एक संदेश भेजा कि मैं आपको एक बकरा भेज रहा हूं, महीने भर का राशन का पैसा भेज रहा हूं, भरपूर राशन, दुगना राशन इस गधे को दिया जाएगा, दुगना राशन इस बकरे को दिया जाएगा, और एक महीने के बाद में ये बकरा वापस राजधानी लाया जाएगा। इस गधे का, इस बकरे का, देखिए मिक्स कर रहा हूं मैं भी, इस बकरे का जो भार है, जो वेट है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। अब ये कैसे होगा? एक गांव का सरपंच कामयाब हो गया साहब इस बात पे। तो अकबर ने उसको बुलाया कि भैया तुम कामयाब कैसे हुए, पहले तो पता करो इसने पूरा राशन बकरे को खिलाया या नहीं खिलाया। तो पता किया गया कि नहीं, इसने बराबर राशन रोजाना बकरे को खिलाया है, तो भार क्यों नहीं बढ़ा? तो उससे पूछा, भैया क्यों नहीं उसका भार बढ़ा? कि साहब मेरे गांव में एक व्यक्ति है, उसने मेरे को सलाह दी थी कि भरपूर भोजन कराओ बकरे को, और बकरे को भोजन कराने के बाद शेर के सामने बांध देना, बकरे को भोजन कराओ और भोजन कराने के बाद शेर के सामने बांध देना। अब शेर के सामने बकरा सोचे अब मरा, तो उस चिंता में उसका भार नहीं बढ़ा। तो मैंने बहुत से निवेशकों को देखा, निवेश तो कर देते हैं पर करेक्शन से डरते रहते हैं, तो रिटर्न कैसे बनेगा दोस्तों? मरमर के इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा दोस्तों, उस बकरे को याद कीजिएगा, शेर आपके सामने नहीं आएगा, करेक्शन कभी आपको परमानेंट नुकसान नहीं करेगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, बियर फेज आते हैं, गिरावट आती है, पर आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि अर्निंग्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है दोस्तों। और अर्निंग्स बढ़ने की पहली शर्त यह है कि मेरे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दुनिया के किसी देश की नहीं बढ़ रही है, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है दोस्तों? सबसे खूबसूरत बात यह है, हर गिरावट एक आपको मौका देती है। जो बिल्कुल आशीष भाई ने सही कहा था, हम आज के इस गिरावट से घबराते क्यों है? क्योंकि हमें यह नहीं मालूम है कि हम आने वाले समय में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। दोस्तों क्या है इन्वेस्टमेंट, बहुत जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं, यही एक बहस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। इस बहस को जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना खूबसूरत बात हो जाएगी। रिप वैग विंकल की कहानी आशीष सुमाय साहब ने सुनाई थी, ऐसे ही कहानी मैंने भी, एक कहानी तो नहीं है, मेरे साथ में घटना घटी थी आज से 17-18 साल पहले। मेरे एक मित्र से मैं मिलने के लिए उसके घर गया, तो घर जैसे ही पहुंचा तो देखा भाभी जी थी और मित्र नदारद थे। मैंने पूछा कब आएंगे, वो कहता बैठिए मैं चाय बना के लाती हूँ, अब चाय पीजिए, तब तक वो आते ही होंगे, 15-20 मिनट में आ जाएंगे, पास ही में गए हैं। अब वो चाय बना के लाई, हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त की जो वाइफ थी वो बहुत दुखी थी। मैंने कहा आप परेशान नजर आ रही हैं, क्या दुख है आपको, क्या परेशानी है? तो कहती है मेरा बेटा बड़ा ही नहीं होता है, 13 साल का हो गया बड़ा ही नहीं होता। मैंने कहा क्या बात, खुलासा तो कीजिए। कि नहीं, मेरे पड़ोस का जो नेबर है उसका बेटा भी 13 साल का है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो तो लंबा हो गया, मेरा बेटा तो लंबा ही नहीं होता है, मेरा बेटा बड़ा ही नहीं होता है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर तो बोलता है इसकी ग्रोथ बराबर है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, मैं च्यवनप्राश खिलाती हूँ, बूश खिलाती हूँ, अच्छा खाना देती हूँ, प्रोटीन देती हूँ, मेरा बेटा तो बड़ा ही नहीं होता है।
इस तरह से वो परेशान हो रही थी. इतनी देर में क्या हुआ सर कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, और दरवाज़ा नॉक किया तो एक व्यक्ति अंदर आया. उस मेरे दोस्त की वाइफ भाभी जी का भाई था, तो दोनों भाई बहन मिले, वो दुबई रहता है. और मैं 17-18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ईमेल मेल नहीं होते थे, व्हाट्सअप नहीं होता था, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे. तो भाई आया, बहन से बड़े सालों के बाद मिला, बड़ी खुशी हुई दोनों को मिलके. 11 साल पहले वो बहन से मिला था, 11 साल के बाद वो हिंदुस्तान लौट के आया. और फिर जब थोड़ी सी शांति हुई 2 मिनट के बाद में, तो उसने जीजा जी को याद किया और अपने भांजे को याद किया कि वो भांजा कहाँ है मेरा, उसको 2 साल की उम्र का मैंने देखा था, कि वो नीचे खेल रहा था, तूने देखा नहीं क्या? कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा उसको, उससे पहचाना नहीं उसको, क्योंकि वो 13 साल का हो गया. इतने में बच्चा भी आ गया. जैसे ही बच्चा आया तो बहन ने बोला ये रहा तुम्हारा भांजा. उस भांजे को मामा ने देखा, नीचे से ऊपर तक देखा और बोला अरे इतना बड़ा हो गया. और 2 मिनट पहले माँ क्या कह रही थी, बड़ा ही नहीं होता है, बड़ा ही नहीं होता है. और मामा क्या कहता है, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि मामा उसको पहचान ही नहीं पाया. क्या है दोस्तों, वही फर्क, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फर्क है. माँ को क्यों लगता है कि बेटा बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि रोजाना देखती है. और उसको क्यों लगा, उसने 11 साल के बाद देखा. जो व्यक्ति रोज आने भी देखेगा कभी पैसा नहीं बनाएगा दोस्तों. रोजाना आने भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाजार जो है ये रोजाना खुलता है, रोजाना बढ़ता है और रोजाना गिरता है. समय और बाजार का रिश्ता क्या है, देखिए मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं. थोड़े से आंकड़े देखिएगा, ये आंकड़े आपको काफी मदद करेंगे. क्या है रिश्ता टाइम और रिलेशनशिप का? वोलेटिलिटी और इक्विटी ये हमेशा बनी रहेंगी बाजार के अंदर. टाइम और रिटर्न्स का क्या रिश्ता है? अब देखिए मार्केट में रिटर्न कैसे आता है, क्या बुनियादी बात क्या है जो हमें रिटर्न देती है, या मार्केट में किसी भी शेयर की कीमत कैसे तय होती है. मैं ये क्योंकि आम सभा है तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपसे बात करूँगा. देखिए किसी भी चीज़ की कीमत तय होती है उसकी उस शेयर के अंदर, या उस कंपनी के शेयर के अंदर, या उस कंपनी के स्टॉक के अंदर आपको रिटर्न देने की, अर्निंग्स देने की क्षमता कितनी है, या वो कंपनी मुनाफे कितने कमाती है. जिस कंपनी के मुनाफा कमाने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उस कंपनी के भाव उतने ज़्यादा होंगे. अब भाव ज़्यादा होंगे तो तय कौन करेगा, भाव तय करेगा खरीदने वाला. अब खरीदने वाले मुंड मत भिन्ने, जितने लोग हैं उतने मत हैं, जितने मत हैं उतने विचार हैं, जितने विचार हैं उतने भाव हैं. इसलिए क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट की कल्पना हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है. क्योंकि हर एक की प्रॉफिट की कल्पना अलग अलग होती है तो वो जो बिड करता है भाव को वो भी अलग अलग होते हैं. तो भाव कैसे तय होते हैं बाजार के अंदर, बहुत से लोग आते हैं खरीदना चाहते हैं, अपना भाव देते हैं, तो ज्यादा खरीदने वाले आते हैं तो भाव बढ़ते हैं, जब ज्यादा बेचने वाले आते हैं तो भाव गिरते हैं. इसको हम बोलते हैं आप वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं अर्निंग को, पीई वैल्यूएशन, इसको हम पीई बोलते हैं. एक होती है अर्निंग्स, कंपनी कितना कमा रही है, एक होती है कि आप उस कमाई को आप वैल्यूएशन कितनी दे रहे हैं, आप कितनी वैल्यूएशन दे रहे हैं. दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमें बाजार की कीमत प्राप्त होती है. ये एक सिंपल तरीका है बाजार के रिटर्न को देखने का. किसी भी बाजार में वैल्यूएशन को और अर्निंग्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा. इंडेक्स मतलब आपको प्राइस मिल जाएगी. अब अर्निंग्स को कौन प्रभावित करता है, अर्निंग्स को प्रभावित करती है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी की रफ्तार क्या है. इसीलिए जेपी साहब ने आपसे कहा था जैसी जीडीपी बढ़ती जाती है वैसे बाजार बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ती जाती है. पी वैल्यूएशन को कौन तय करता है, पी वैल्यूएशन को तय करता है कि आपके सेंटिमेंट कैसे हैं, आपकी मनोदशा कैसी है, खबरें कैसी आ रही है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि निफ्टी के 50 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करता है. मैं यहाँ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे. कोई शोध नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं करता है, केवल और केवल निफ्टी में हर दिन निवेश करता है और अपने हर दिन के निवेश को 1 साल तक रखता है. कब तक रखता है, 1 साल तक, और 1 साल के बाद पैसा निकाल लेता है. ये पिछले 25 साल से कहानी मैं आपके पास में लेके आया हूं. अगर ये 1 नवंबर 1995 से शुरू होता है तो उसने निवेश किया है 1 नवंबर 1994 को. 1 नवंबर 1994 को निवेश किया और 1 नवंबर 1995 को पैसा निकाल लिया. और इस तरह से उसने हर दिन निवेश किया. 1 नवंबर 1994 को किया, 2 नवंबर 1994 को किया, 3 नवंबर 1994 को किया,
4 नवंबर 94 को किया और एक साल के बाद में 1, 2, 3, 4, 95 में पैसा निकाल लिया, तो उसकी होल्डिंग पीरियड कितनी है? एक साल। कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, जैसे ही बाजार खुलता है निवेश करता है और एक साल के लिए निवेश को बंद कर देता है। तो देखिए पिछले 20 सालों में हमने क्या देखा, यह 23 सालों का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको, 23 सालों का अनुभव मेरा क्या कहता है कि इसको इतनी बार तो फायदा हुआ और इतनी बार नुकसान हुआ। क्या देख रहे हैं आप? विचलन बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम बाजार से घबराते हैं। क्या इस तस्वीर को देख के आप तय कर सकते हैं आपको रिटर्न क्या मिलेगा? नहीं समझ में आता है कि रिटर्न क्या मिलेगा, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है और कभी नुकसान होता है। नुकसान होने की संभावनाएं जरूर कम है क्योंकि फायदे ज्यादा हुए हैं, लेकिन संभावनाएं फिर भी है और ये चीज हमें डराती है। अभी एक व्यक्ति की कहानी है, अब एक दूसरे व्यक्ति की कहानी मैं आपको बताता हूं जो इसी के जैसे निवेश करता है, हर दिन निवेश करता है, इसको हम रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं, हर दिन निवेश करता है, कोई शोध नहीं करता है, बाजार खुलते ही निवेश करता है, पर अपने निवेश को एक साल तक नहीं रखता, 5 साल तक रखता है। कितने साल तक रखता है? 5 साल तक। अब देखिए उसके साथ 23 सालों में क्या हुआ, ये आप देखिए, नुकसान उसको केवल थोड़ा सा नुकसान उसको यहां पर हुआ और थोड़ा सा नुकसान यहां पर हुआ, बाकी नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो गई। ज्यादा संभावना किस बात की थी? कि उनको रिटर्न मिला। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने उसी निफ्टी में निवेश किया, उसी भाव पे निवेश किया, लेकिन एक साल नहीं 5 साल तक पैसा रखा। अब एक तीसरे दोस्त की कहानी सुनिए, वो कहता है नहीं भैया मेरे को बोला गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं पैसा हर साल नहीं निकालूंगा, हर 5वें साल नहीं निकालूंगा, मैं पैसा इस बाजार में 10 साल तक निवेशित रखूंगा। 10 साल वाले को आप देखिए, क्या देख रहे हैं आप? हिंदुस्तान के बाजार के इतिहास में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिसने निवेश किया 10 साल तक निफ्टी में पैसा रखा और उसको नुकसान हुआ हो। देखिए पूरी तस्वीर हरी हो गई दोस्तों, ठीक है। चौथा व्यक्ति इससे बहुत उत्तेजित होता है, कहता है 10 क्यों, मैं 15 साल तक पैसा रखता हूं। अब आप देखिए 10 की जगह 15 क्या हो गया, और अब मेरे को मौका मिला है 20 साल देखने का भी, तो मैंने 20 साल की तस्वीर भी बनाई। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विचलन, वोलेटिलिटी को देखिएगा पहले। तो एक साल की वोलेटिलिटी देखिए कितनी ज्यादा है, 5 साल की उससे कम है, 10 साल की उससे भी कम है, 15 साल की और भी कम है, और 20 साल की तो ऐसा लगता है कि आपने किसी भी दिन निवेश किया हो, चाहे बाजार ऊपर हो चाहे बाजार नीचे हो, आपका रिटर्न सबका एक जैसा ही है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्त, इसीलिए कहते हैं टाइमिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन से आप कैलकुलेट करते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी है, यहां पर एसडी बहुत ज्यादा है और यहां पर एसडी बिल्कुल नहीं है। पर ऐसा हुआ कैसे, यह संभव कैसे हुआ दोस्तों, यह संभव कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है कि 20 साल में सभी लोग एक जैसे हैं, चाहे किसी ने दिमाग लगाया हो या किसी ने दिमाग नहीं लगाया हो, दिमाग लगाने वाले का रिटर्न वही है और नहीं लगाने वाले का भी रिटर्न वही है, सबका समान रिटर्न कैसे हो सकता है, यही तो अद्भुत बात है दोस्तों। इक्विटीज बहुत ही समान व्यवहार करती है, क्या तो बुद्धिमान और क्या कम बुद्धिमान दोस्तों, आपको सिर्फ समय देना है। पर ऐसा हुआ क्यों, आइए इस बात को समझते हैं। हमने क्या तय किया था कि रिटर्न क्या चीज होती है, अगर मैं इन सभी चीजों को इन चारों तस्वीरों को अगर मैं एक साथ रखूं तो वो तस्वीर ऐसी बनती है। देखिए आप वो तस्वीर ऐसी बनती है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको -55% का रिटर्न मिला और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको +150% का रिटर्न मिला। तो ये मैक्सिमम रिटर्न की कर्व है, ये मिनिमम रिटर्न की कर्व है। जैसे जैसे मेरा होल्डिंग पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे मेरा मिनिमम रिटर्न बढ़ता जाता है और मैक्सिमम कम होता जाता है। 15 साल आते आते देखिए दोनों क्या हो गए, मिल गए। कितनी खूबसूरत रिश्ता है देखिए, समय का और रिटर्न्स का, इतनी सुंदर चीज है इक्विटीज दोस्तों। पर ऐसा क्यों होता है कि छोटे समय में इतना फर्क और बड़े समय में कोई फर्क नहीं, क्या रीजन है इसका, आइए इस रीजन को हम समझने की कोशिश करें। हमने क्या तय किया था, रिटर्न कैसे मिलता है, मार्केट प्राइस या रिटर्न इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमेंट, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है, शॉर्ट टर्म में हर एक के रिटर्न अलग क्यों होते हैं, शॉर्ट टर्म में हर एक रिटर्न अलग इसलिए होते हैं कि इस फॉर्मूला में एपीएस का महत्व बहुत
कम होता है और ज्यादा रिटर्न बाजार में जो प्राइस है उसको तय कौन करता है? सेंटीमेंट तय करता है. लॉन्ग टर्म में क्या होता है साहब? लॉन्ग टर्म में केवल अर्निंग्स तय करती है कि कंपनी के वैल्यूएशंस क्या होंगे. सेंटीमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है. आपके जीवन में देख लीजिए, कितना ही बड़ा आपको दुख हुआ हो, जैसे जैसे आप उस दुख से दूर होते जाते हैं, आपका जो विषाद है, आपका जो अवसाद है, आपका जो सेंटीमेंट, वो क्या होता है? वो कमजोर होता जाता है. तो जैसे जैसे इक्विटी को आप समय देते जाते हैं, सेंटीमेंट्स का जो प्रभाव है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है. और अर्निंग्स का प्रभाव बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्निंग्स तो कंपनी की एक ही है, सबके लिए एक जैसी है, हर एक के लिए अलग अलग नहीं होती है, इसलिए रिटर्न भी सबके एक जैसे होते हैं. तो हमें सिर्फ एक बात स्मरण रखनी है दोस्तों, सिर्फ ए और सिर्फ एक बात हमें ध्यान में रखनी है, और वो बात हमें ध्यान में ये रखनी है दोस्तों कि मुझे इक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. लेकिन मैं आपको बताऊं, केवल 2% लोग ये काम कर पाते हैं, क्या तो अमेरिका क्या हिंदुस्तान. ये भवन आप छोड़ के जाएं उसके पहले ये तय करके जाइएगा, क्या आप लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए समर्पित है. लॉन्ग टर्म निवेश करना बहुत जरूरी है दोस्तों. आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है इतनी, ये ब्लू लाइन जो है ये अर्निंग पर शेयर है हिंदुस्तान का, ये वक्त के साथ बढ़ती जाती है. सेंटीमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, सेंटीमेंट से आपको प्रभावित नहीं होना है. सेंटीमेंट से प्रभावित नहीं होने का सबसे बढ़िया तरीका है, टीवी को ताला लगा दीजिए. और मैं मजाक नहीं करता, पॉल एंडरसन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो MIT विद्यालय के डीन थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के. उन्होंने अपने MBA स्टूडेंट्स के साथ में 4 साल तक शोध किया, 1985 से 1989. पूरा आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्सों को बोला कि आप बाजार में निवेश कीजिए. एक हिस्से को ये बोला कि आप खबरें नहीं देखेंगे और एक हिस्से को बोला कि आप रोजाना खबरें देखेंगे. हर साल उन्होंने क्या देखा कि जो लोग खबरें देखते थे उनका रिटर्न अच्छा नहीं होता था. टीवी आए हुए 75 साल दुनिया में हुए हैं दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी में कहावत न जाने कब से है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज. न्यूज सुनेंगे तो श्वान जैसा आचरण करेंगे, कुत्ते जैसा आचरण करेंगे, दाएं जाएं कि बाएं जाएं समझ में नहीं आएगा. हमें सेंटीमेंट को हराना है, अर्निंग को अपनाना है. अर्निंग्स हिंदुस्तान में आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की कहानी आपने JP भाई के जवाने भी सुनी और कुछ चंद बातें मैंने भी आपके सामने रखी कि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य दोस्तों कैसा है. ये एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है इस यात्रा में. ये जो आपकी 20 साल की यात्रा है, इस यात्रा में आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी, कंफ्यूजन मिलेगा, शॉर्ट टर्म लॉस भी हो सकता है, सरप्राइज भी मिलेंगे, बोर्डम भी मिलेगा, चिंता भी होगी, डर भी लगेगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा, पर हर एक चीज का सामना करना है. और इसका सामना करने का टोटका मैं आपको देता हूं. आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, जब ईश्वर की तलाश में लोग चार धाम यात्रा पे जाते थे तो घोर कष्ट होता था, क्योंकि ट्रेन और प्लेन तो होते नहीं थे, खाने पीने की चीजें हर जगह मिलती नहीं थी, आपको जंगलों से जाना होता था. हिंदुस्तान में 600 रियासतें थी तो हर जगह राज बदल जाता था, हर जगह कानून बदल जाते थे, आबादी बहुत ज्यादा थी, जंगली जानवर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा थे, तो मार्ग में बहुत कष्ट होता था. जब कष्ट होता है, ये सब कष्ट लिखे मैंने आपके सामने, जब व्यक्ति को कष्ट होता है तो व्यक्ति कष्टों से बचने की कोशिश करता है. तो जो व्यक्ति चारधाम यात्रा पर निकलता था वो आधे रास्ते से लौट आता था. किस आर्ग्यूमेंट में लौट आता था? अरे मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं जो ईश्वर को ढूंढने निकला हूं, ईश्वर तो मेरे अंदर है, मेरे को हर जगह ईश्वर मिल सकते हैं, और वो आधे रास्ते से ही वापिस आ जाता था, कभी भी यात्रा पूरी नहीं करता था. उस जमाने के जो मैनेजर थे वो परेशान हो गए कि यार ऐसे इकोनॉमी कैसे चलेगी, लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमने निकलेंगे, एक जगह का पैसा दूसरी जगह जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, बहुत शहर विकसित होंगे, बहुत गांव विकसित होंगे, बहुत स्थल विकसित होंगे, खर्चा होगा, तभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ पर धर्म भी इकोनॉमी चलाता है, आप जानते हैं बहुत कम ऐसे देश हैं धर्म इकोनॉमी को चलाते हैं. तो आप देखिए कि उस जमाने के प्रबंधक लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चारधाम यात्रा पर निकलता है ना, इसको बहुत इज्जत दी जाए. तो जब वो गांव से निकलता था, पूरा गांव उसको इज्जत देने आता था, मालाएं पहनाता था, अरे आप भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना भी कीजिएगा, हमारे लिए भी आप उनसे कामना और प्रार्थना कीजिएगा, बहुत इज्जत दी जाती थी. बड़े लोग भी छोटे लोगों के चरण छूते थे कि आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं. इतनी इज्जत मिलने के बाद दोस्तों वो विदा होते थे. और जब रास्ते में कष्ट होता था और जब घर की तरफ वापस पांव मुड़ते थे तो याद आता था यात्रा करने के लिए इतनी इज्जत दी थी गांव वालों ने.
और गांव वालों को मालूम चला कि इन तकलीफों से घबरा के मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट के आया हूं, तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। उस जमाने में लोगों को इज्जत बहुत प्यारी थी दोस्तों, मर जाऊंगा लेकिन इज्जत का कचरा नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों लोग मर जाते थे लेकिन यात्रा पूरी किए बिना वापिस नहीं आते थे। इक्विटी इन्वेस्टर बनना है ना दोस्तों, तो जिस दिन इक्विटी का इन्वेस्टमेंट किया, जिस दिन SIP किया, फूलों की एक माला पहना के सेल्फी खींच लीजिए कि आप 20 साल के लिए, आप 20 साल के लिए इस तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, मोक्ष मिल जाएगा आपको दोस्तों, मोक्ष आपको मिल जाएगा। यही इक्विटी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। बहुत सही बातें करने वाले बहुत हैं पर उस पर अमल करने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारी कमजोरी यह है कि हमें हेल्थ चाहिए। हम जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से हेल्थ मिलती है, अरे दोस्तों हम जब हेल्थ के लिए सही काम नहीं कर सकते तो वेल्थ के लिए कैसे करेंगे। इसी चुनौती के साथ आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू कृष्ण जी। अभी कुत्ता और गधा मानव उपयोगी प्राणी है ये मैंने पढ़ा था बचपन में, लेकिन वो स्टॉक मार्केट समझाने के लिए भी इतने उपयोगी है ये मैंने आज ही जाना। ही डिजर्व्स अ ग्रेट अप्लॉज।